बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी है बीएस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्पायरोजायरा को। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है स्पायरोजायरा की, दैट इज़ डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कॉन्जुगेल्स, सब ऑर्डर जिग्नोमोडी एंड फैमिली है जिग्निमेसी और जीनस है स्पायरोजायरा। तो अकरन से सबसे पहले स्पायरोजायरा इज़ अ लार्ज जीनस, ये एक बहुत बड़ा जीनस है एंड इट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया में पाया जाने वाला है। इट हैज़ ऑफ अबाउट 300 स्पीशीज़, इसमें इतनी स्पीशीज़ आ जाती हैं। फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है, फ्लोटिंग मैस मतलब पानी के अंदर लहरें सी जिस तरह बन रही होती हैं एल्जी की, तो उनमें से ही ये एक स्पायरोजायरा भी है। देयरफॉर इट इज़ कॉमनली कॉल्ड पोंड्स कम, इसलिए तालाबों में लगी हुई जो काई होती है इसको वो कहा जाता है। इट्स कॉमनली ग्रोज इन फ्रेश वाटर स्टैगनेंट रिजर्वियस, ये खड़े हुए पानी में जो है वो बहुत पाया जाता है, साफ पानी में। एंड आल्सो ग्रोज इन स्लो रनिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और ये नदियों में और दरियाओं में भी पाया जाता है। इट लुक्स लाइक अ मैस ऑफ लॉन्ग शाइनी सिल्की फिलामेंट्स इन रनिंग वाटर, अगर इसको पानी में देखा जाए तो ये जो है जिस तरह सिल्क के धागे होते हैं बिल्कुल इस तरह ये लहरा रहे होते हैं पानी में। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोंड सिल्क, इसीलिए इनको पोंड सिल्क कहा जाता है। सूटेबल सीजन्स ग्रो फॉर इट्स ग्रोथ, सूटेबल सीजन फॉर इट्स ग्रोथ इज इन विंटर, ज़्यादातर ये पाई जाती है सर्दियों में। एंड बट इट आल्सो ग्रोज वेल थ्रू आउट द ईयर, और लेकिन सारा साल भी ये ग्रो करती है बहुत अच्छे तरीके से। इट डिवेलप्स रिप्रोडक्टिव स्टेज इफ़ टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मतलब ठंडा टेम्परेचर होता जाता है तो इसका जो है वो लाइफ टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा ग्रो करती है। इट डिवेलप्स वेजिटेटिव स्टेज इफ़ टेम्परेचर लोअर्स, अगर ये टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, ये अपनी वेजिटेटिव स्टेज को डिवेलप करेगी और जैसे ही टेम्परेचर को सूटेबल मिलेगा तो ये ग्रो करेगी। नेक्स्ट है जी ये कॉमन स्पीशीज़, इसकी स्पायरोजायरा क्रेसेटा है, स्पायरोजायरा इलोंगेटा है, स्पायरोजायरा माइक्रोस्पोरा है, इंडिकेटा है एंड क्यूम्यूनिस भी है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है स्पायरोजायरा की। तो द प्लांट बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ फिलामेंट्स, दीज फिलामेंट्स आर सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, ये धागों पर मुश्तमिल होती है, इसके फिलामेंट्स जो है वो सिलेंड्रिकल लंबे होते हैं और अनब्रांच, नीचे देखें कोई ब्रांचेज नज़र नहीं आ रही। द यंग फिलामेंट्स हैव मॉडिफाइड बेसल सेल्स कॉल्ड हेप्ट्रॉन और होल्ड फास्ट, जो न्यू सेल्स होते हैं वो इस तरह बने होते हैं जैसा कि बेसल सेल से धागों की तरह, उनको हेप्ट्रॉन कहा जाता है, ये होल्ड फास्ट जिस तरह जड़ें होती हैं वैसे। हेप्ट्रॉन इज़ यूज फॉर द अटैचमेंट टू सम ऑब्जेक्ट्स एट द बॉटम, तो ये जो हेप्ट्रॉन है ये इनको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो मजबूती से पकड़ने में हेल्प करवाता है। राइजाइड्स आल्सो ग्रो ऑन हेप्ट्रॉन इन स्पायरोजायरा राइजाइड्स एंड स्पायरोजायरा डूबिया, तो इसमें जो है ये जड़ें राइजर्स होती क्या जड़ें होती हैं जो कि पौधे को जो है वो एंकर करने में मजबूती से पकड़ने में हेल्प करती हैं। बट राइजर्स आर एब्सेंट इन अदर प्लांट्स, लेकिन जड़ें दूसरे स्पायरोजायरा स्पीशीज़ में नहीं होती। द अडल्ट प्लांट्स ऑलवेज फ्री फ्लोटिंग, और जो जवान पौधे इसके होते हैं वो बिल्कुल फ्लोट कर रहे होते हैं, लहरा रहे हैं। नाउ सेल स्ट्रक्चर, ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रो ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स, दीज सेल्स हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नंबर वन सेल वॉल, द ईच सेल इज इनक्लोज बाय अ फर्म सेल वॉल, हर सेल के गिर्द एक मजबूत फर्म कहते हैं मजबूत सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, इनर लेयर जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है जबकि आउटर लेयर जो है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है। और पैक्टिक सब्सटेंसेस क्या हैं, ऐसे अज़ाद जिनसे ये जो है वो सेल वॉल स्पायरोजायरा की बनती है। वाटर मेक्स द पैक्टिक सब्सटेंसेस जिलेटिनियस, पानी इनकी जो लेयर्स हैं उनको जेली लाइक बना देता है, चिपचिपा बना देता है। एंड इट गिव्स द प्लांट अ स्लाइमी टच, और इस तरह पौधा जो है वो बिल्कुल स्लिम स्लाइमी सा होता है, चिपचिपा सा होता है। नेक्स्ट इज अ प्रोटोप्लास्ट, द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, प्रोटोप्लास्ट इसका जो है वो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, और अ मैस ऑफ साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म भी मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं और कुछ वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, कुछ नहीं बल्कि अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।